लिव लाइफ एंड लाफ. उठने के नहीं, उठने के नहीं. आते साहब पता लगा जी 3 कप बन रहे हैं. अच्छा है पापा हमेशा ये टोपू पहन अंडरमैन. ये ला मम्मा ने बताया नहीं. मम्मा जरा बताया. हमने नया पंगा लिया है, बस दुआ करो कि अच्छी बन जाए. बिरयानी देखना. मेरी मूवी आ रही है, अगर सारे देख रहे हो बॉलीवुड में भी और हॉलीवुड में भी. पहले लॉलीवुड में तो काम कर ले. मम्मा बैठी नहीं सदानी और दो शाहजी. Everyone, welcome to Sistrology. This is me, Iqra Kawa. Welcome to another vlog. Welcome to another beautiful day. Day हमारा शुरू हो चुका है और मेरा day कुछ इस तरह से शुरू हुआ है कि मैं सबसे पहले तो अपने कमरे के उठते साथ जो है ना वो इतनी सारी लाइटें जलाती हूँ जिससे जो है ना वो मेरा मूड बड़ा फ्रेश 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 और मैं भी उठाती हूँ फ्रेश 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 फ्रेश. मुझे मेरी अम्मी नहीं ढूंढ रही, मैं ढूंढती ढूंढती आई हूँ लेकिन सामने मुझे हमेशा पौधों के पास पाई हुई नजर आती है. गुड मॉर्निंग. फूल लगा के आई है मैं, जरा अम्मा के फूल देख के आऊं. अभी नहीं, अभी तो फूल आ रहे हैं गेंदे के. गेंदे के अच्छा वहां पे देखें जी काम हो रहा है जी. माली शाली काम कर रहे हैं, एथे काम हो चुकी है ते ओ साइड साड़ी रह गई है. ए साड़ी खद पई हुई है, इसमें भी ना लगा दे. देखा बच्चों को ना खाना देना है, ना पानी देना है, ना कुछ देना है. पौधों को पानी भी देना है, खाद भी देना है, सब कुछ देना है. मेरी माँ का रूटीन यहाँ से शुरू होता है. ये भी कुछ प्यारे से फूल लाके मेरी अम्मा ने लगाए हैं. तो फिर ऐसे खाने में आ गई, जिस खाने में आप देखेंगे तो मेरी माँ ने कहना है की खाना खराब, ये वो खाना है. तो वापस चलते हैं यार. आते साहब पता लगा जी 3 कप बन रहे हैं. अच्छा है पापा हमेशा ये टोपू पहन अंडरमैन. पापा होते, पापा सबके मेहनत मजदूर वाले होते हैं. चले गए अभी इस वक्त. और मैं अपनी अम्मा ने, मेरी अम्मा ने जो है ना मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मुर्गी शुर्गी निकाल ली है. माए जो होती है वो कस्तूरी वाली होती है ना, दे आर प्रोवाइडिंग यू बेस्ट फूड एवर. अब कलेजियां हमेशा निकाल देती हैं, पता नहीं है हर अम्मियों का दस्तूर होता है कलेजियां काट दे. हो यार कलेजियां ना हमारी मेड को बड़ी पसंद है तो वो उसके लिए रख देती है. वो कहती है कि मैं कलेजी मेरे लिए रखती है. अच्छा और इसके बाद अब हम बनाएंगे बिरयानी. बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी. बिरयानी खाएंगे आज, बनने को मिलेगी. और यहाँ पे भी कोई काम हो रहा है, यहाँ तो काम ही हो रहा है. मतलब इतने छिड़ी छिड़ी लग रही है, घर के काम हो रहा है, सानू इतों फरार होना चाहिए. छोटी 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 जहाँ पे काम हो रहा था इकरा का वहाँ से फरार हो जाती है. इकरा का काम से कोई ताल्लुक नहीं, इकरा से ब्लॉगर है, दी बेस्ट ब्लॉगर. मैं आपको दिखा दूँ कि ये है मेरे अब्बा का काम. पंखा शन के हो रहे हैं ठीक, पता नहीं पंखे को उल्ली लग गई. कैपेसिटर जल गया. अच्छा सर्दी आ रही है तो पंखों को पता लग गया. चलाक और सियाने पंखे होते हैं, इनको पता लगता है सर्दी आ रही है. इन्होंने मैंने बंद ही करना, मैं पहले ही अपना कैपेसिटर साड़ना. अब मैं आपको क्या बताऊं कुछ सुस्त लड़कियों के बारे में. इन सुस्त लड़कियों ने लाइटें शाइटें की हुई है बंद, यहाँ लगी हुई है सोने. लेकिन एक राका वाली एक एक्टिव लड़की है और इसने कमरे की जलाएगी, पूरी लाइटें ऑन कर देगी और इनको उठाएगी. कौन है ये देखे, बालों वाली चुड़ैल उठ जा सिम सिम. ये भी नहीं उठ रही है. टाइम देख रहे हैं आप, 5:30 हो रखे हैं और ये लड़कियां अभी तक सो रही. इनकी आवाजें सुनने का मुझे मजा. क्यों लिव लाइफ एंड लाफ. उठने के नहीं, उठने के नहीं, उठ जा. तो जी साथ ही साथ पराठा बन रहा है मेरा चिल्तन प्योर के देसी घी में. देसी घी, वही देसी घी, असली देसी घी की निशानी है कि जो गाय का असली घी देसी घी होता है वो येलो होता है. ये देख रहे हैं आप लोग, ये असली देसी घी की निशानी है. सो ये मेरी अम्मा घर में खुद बनाती है, पहचान बहुत ज्यादा. और यही रिकमेंड करती है कि हमें चिल्तन प्योर का देसी घी खाना है क्योंकि आजकल मिलते हैं फेक टीम के डब्बों में फेक घी. मतलब जो मर्जी पिघला के पा दे हो जाता है देसी घी. लेकिन देसी घी साडा बहुत अच्छा है. चिल्तन प्योर अगर आप लोगों को भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, देसी घी का जाके ऑर्डर करें. समझदार चकरक पराठा खा सकते हैं. इसमें दही लगाया पहले सबसे, फिर इसमें हमने जो वो फ्राई किया हुआ प्याज डाला. फ्राई किया हुआ प्याज मुझे. अच्छा अच्छा अच्छा. अब इसमें डालना हल्दी नमक और बहुत कुछ. ये हमारे पास कुछ मसाला जात हैं, ये मसाला जात हैं, ये मसाला जात अब इसमें यूज होंगे. सबसे पहले हल्दी डालेंगे. अच्छा ये बोटियाँ किस लिए, ये बिरयानी में ऐसे डालनी है. हमारा जो मास्टर शेफ है वो कह रहा है हल्दी नहीं डालनी. मास्टर शेफ तुम आपस से पहले सिंक बना लो, मैं बाद चुके लोगों को दस दिन की पाया है. ठीक है ना, मैंने ना बहुत सब परफॉर्म. ये कभी फातिमा का होता है, कभी उसका होता है. ये क्या, इधर तुम्हारा क्या काम है, इधर बैठ के तुम टीवी देख रहे हो.
बैठा हुआ कुर्सी पे सच के, तुम उठ जाओ तुम्हें अगर फुर्सत मिल गई हो तो। ओके जीजा जी प्लीज आ जाओ मेरे पास जीजा जी। ये देखिए, ये देखें साथ जूस पिया जा रहा है सोते से उठते बाद, और स्पाइसी नूडल्स तुम्हें किसने कहा नाल कोरियन ए ड्रामे देखो डेविल ओ वाला, और साथ ही बिरयानी किचन में भी हमारी बिरयानी बन रही है। ये देखो मसाले लगा के ऐसे चम्मच हिलाना है। मम्मा ने बताया नहीं, मम्मा जरा बताया, हमने नया पंगा लिया है बस, दुआ करो कि अच्छी बन जाए कोई ये एक्सपर्ट। मम्मा आपके चक्करों में मैंने अपनी दोस्त को भी बुला लिया कि बिरयानी खाने के लिए आ जाओ। मैंने कहा कि अच्छी अच्छी चीजें इसमें डाल के क्या क्या चीजें तरीके से बनाएंगे, पहले हम पहले फ्राई करते थे सारा कुछ, आज हमने वैसे ही मसाले सारे मैरिनेट करके तो आज हमने इसको ढक देना कि आज क्या टेस्ट आता है, आज ढक देना और दो दिन बाद खोलना। ये आज हमारा न्यू स्टाइल है, मम्मा ये भी डाल लेना। अच्छी बन गई तो रेसिपी शेयर कर देंगे। ये देखें लड़की हमारा शेफ गायब हो गया। आज हीरा ने मेरे साथ हेल्प की है। हाँ। हीरा और मैंने दोनों ने लिया है पंगा। हाँ। न्यू तरीके से बनाते हैं बिरयानी। हाँ। तो अब इसका पता नहीं क्या बनेगा, ये देखें ये तो दिखाएंगे। हाँ ये देखें बेताब यार, मुझे मसाले की वो तो बता दे कि इसको आपने क्या किया। अगर अच्छी बनी तो, ना बनी तो नहीं शेयर करना। नहीं नहीं अगर बुरी भी बनी तो आप हमें बताएंगे, क्योंकि हमारे लोगों को वैसे पंगा लेने का शौक होता है। यूट्यूब पर जितने भी हम ट्यूटोरियल देखते हैं ना हांडी शाडियों के लोग घर पे बनाते हैं ना, तो उसके बाद होता है। नहीं नहीं अच्छी बनी तो बताते हैं। मम्मा नहीं अच्छी बनी, अच्छी बन जाए जब खाने लगेंगे ना फिर रेसिपी शेयर करेंगे। ओके ओके देखते हैं, अल्लाह खैर करे। पका के ये बन गया भाई, तुक्का लगाया था और बड़ी अच्छी बन गई। हाँ तुक्का बड़ा अच्छा है, टेस्टी फुल टेस्टी बनी है, ऐसी कभी नहीं बनी, ऐसी कभी नहीं। बॉइल करके आलू बुखारे डाले बिरयानी में, आपको पता ना बिरयानी आलू बुखारे की बिरयानी खाती, मैंने आलू दे आलू बुखारे तो अच्छे लगते हैं। बस ठीक है भाई आलू बुखारे डाला, क्योंकि आलू बुखारे के बगैर किस किस को बिरयानी नहीं अच्छी लगती कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और अब हमारे उबलने लगे हैं चावल और फिर हल्की आंच पे उसके अंदर मतलब फुल आंच। सो ये देखें जी, ये मेरी बिरयानी थी जिसके लिए मैंने अपनी फ्रेंड को भी इनवाइट किया था, तो फ्रेंड मेरी आ गई लेकिन वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती, और माना जो है मतलब सेवक करते हुए प्रॉपर तरीके से ये पानी की बोतल भरते हुए अच्छी लड़कियों की तरह काम करते हुए। हाँ तुम ही करोगी अब जाके, तुम टीवी देखोगी सारा दिन, और तुम्हें काम किया सोना खाना पीना और कर्मा का वेट करना। आ जाए तो यार मेरी बहने मुझे तंग कर रही है, दोस्त मेरी जा चुकी है और ये पीछे से कह रही है क्या। एक बच्चा होता है वो आइसक्रीम देखता है फ्रिज में तो कहता है किसी ने आइस खानी है, किसी ने आइस खानी है, ऐसे कहते फिर कोई भी नहीं खाता। और फिर लोग उससे जब आके कहते हैं कि तू सानू सुना नहीं मारी, तो वो ऑब्वियसली ये कहते हैं तो पूछा था कि जिन्हें आइस कहते खानी है, ये पागल हो चुके डैमेज दिमाग खुद डैमेज है, मुझे भी करेंगे पति कभी अपना बाहर फेंक दी कभी अंदर फेंक दी है पागल दोनों, किसी ने आइस खानी है। ओके तो मैंने वो जोक किया था आपके साथ आइसक्रीम वाला, तो इसलिए आप पे फाइनली मुझे खिलाने ले आई है, और ये साथ मेरी रूममेट भी आ गई हमारे साथ खाने के लिए, और हम समझ जा रहे हम खाएं क्या, तो मम्मा से पूछते हैं कि मम्मा को क्या बिरयानी थी मुझे भूल गया तुमने बिरयानी खाई है इतनी मजे की चीज। मम्मा आप बताना क्यों आई है जब घर में बिरयानी बनी है, फिर तो सिर्फ कौन खाने, ये देखे हमने आपसे सीखा है चीजें करना। मम्मा बैठे तो सरदारी और तो शादी आखिर हमारी मम्मा तो रोब तो होगा। ओके तो मैं जरा कैमरा को तंग करने लगी हूँ, वो पे कैमरा लगा हुआ देखना इनका, मैं करूंगी बाय। ये देखिए अम्मा को तो इन्होंने चाइल्ड लॉक लगा के लॉक किया हुआ था, ये औरत चले ये चाइल्ड लॉक का, ये इसीलिए आपके दरवाजे को चाइल्ड लॉक लगा हुआ था, पता है आपको मैं गिर जाना था मैं। हाँ गिर नहीं जाना था, दरवाजा खोल कैसे बाहर, चाइल्ड लॉक तो बच्चों को लगा, आप भी बच्ची हैं छोटी लड्डू सी। ये मैंने डाला कोई, मैं ये सारा गंद मैंने नहीं डाला, मेरी मम्मा का नहीं, यहाँ सारा गंद किसने डाला, ये सारे टिश्यूज पता नहीं कौन डाल के गया। अब अल्लाह माफ करे अद्धी रात को मेरी मां अपनी कार दे उत्ते गंद दिस रहा है कि ए कार दे विच गंद किने पाया, अम्मी आधी रात हो गई है और ये देखो पार्क में गंद क्यों डाला। चले जब हम आ चुके हैं घर, इन बशिंदियों को जागता लेके गई थी आते साथ, ये तो सो गई, और ये देखे नौटंकी नौटंकी शदीद नौटंकी, चश्मा लगा के कौन सोता है पहले तो मुझे ये बताओ ना, सो थोड़ी नहीं है ये तो मेरा जागना है। हाँ ग्लासेस उतारो फिर कि आई साइट खराब हो गई। नहीं नहीं मेरी ग्लासेस लगा के आई साइट ठीक है। नहीं उतार सो उतार के ना। नहीं नहीं मैं भी फोन यूज कर रही हूँ, करीब की तुम्हारी नजर बुढ़ी हो गई तुम। डार्लिंग मैं फोन यूज कर रही हूँ। ये देखें ये मेरी बहन है एक बेचारी प्यारी, और ये बदतमीज तुम हो ही गंदी, रात के 2:30 बज रहे इस वक्त देखना। हाँ मेरी मूवी आ रही है, अगर सारे देख रहे होंगे
तो एस्ट्रोलॉजी पे भी आप मूवी ही कर रही हो, बॉलीवुड में भी और हॉलीवुड में भी। पहले लॉलीवुड में तो काम कर ले। कर लेंगे डार्लिंग, कर लेंगे। पहले ड्रामा आएगा, फिर देख। जस्ट वेट एंड वॉच। ड्रामा तो तुम रोज लगाते हो। लगाना ठीक है ना, जब आएगा ना मेरा पहला हाँ। ड्रामा सबने क्लिप लगाना। अम्मा तो मेरी बिरयानी समेट रही है, आज बनाती रही है। ये जो आखिरी वाला होता है ना, ये आखिरी वाला, ये बचपन में बड़ा मजे का लगता था, ये चिड़िया ये, लेकिन अब नहीं अच्छा लगता। मुझे बचपन में बहुत पसंद था। इसको कहते होते थे क्रोड़ी। क्या कहते थे? क्रोड़ी। तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, स्पेशली जो बॉयल चावल होते हैं ना, उसका मजे का ज्यादा लगता था, इसका नहीं। या गुड़ वाले चावलों का, किस किस को अच्छा लगता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब टाइम होता है वापस ऊपर जाने का। ये देखिए, मैंने अपने कमरे को, मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को ना बड़ा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये भी आपको दिखाऊंगी बहुत जल्द। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग इतिहास भी ज्यादा पसंद आया होगा, एज यू यदि करा दी बेस्ट लॉगर का। तो इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी मेरी अगले व्लॉग में। पास रखिएगा, अपनी ग्राहक को दुआओं में खास याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।